तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, जहां सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। कर्मचारी अधिकारी संघ की हड़ताल स्थगित हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्मचारी फेडरेशन ने अपना फैसला वापस ले लिया है, हड़ताल वापस ले ली उन्होंने। मंत्री रविन्द्र चौबे से चर्चा के बाद ये हड़ताल वापस हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं आपको, जहां सरकारी कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। कर्मचारी अधिकारी संघ की हड़ताल स्थगित हो गई है। कर्मचारी फेडरेशन ने अपना फैसला वापस ले लिया है और हड़ताल खत्म कर दी है। बता दें कि मंत्री रविन्द्र चौबे से चर्चा के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं। फाइनली इन लोगों ने हड़ताल वापस ले ली है, मंत्री से क्या बात हुई इन लोगों की? जी जी बिल्कुल, हमारे साथ फेडरेशन के वो तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने ये बातचीत की है, और बातचीत में क्या कुछ निकल के आया सीधे पूछते हैं प्रांत संयोजक कमल वर्मा जी, क्या बातचीत हुई और किन फॉर्मूला किन शर्तों के आधार पे आपने आंदोलन स्थगित करने की बात कही है? सबसे पहले मैं IBC 24 को जो है धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, आप लोगों के सहयोग से जो है इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाए, और जो सुखद दिन आज आया है, जो परिणाम आया है, उसमें आपकी जो भूमिका है वो काफ़ी सराहनीय रही है। हम जो है लगातार सरकार से संवाद करने की कोशिश कर रहे थे, और इस प्रदेश के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, इस सरकार के जो प्रवक्ता है आदरणीय रविन्द्र चौबे जी के मध्यस्थता में लगातार हम लोग सरकार से संवाद करने का प्रयास कर रहे थे। उसमें हमें सफलता मिली, माननीय रविन्द्र चौबे जी मुख्यमंत्री जी से बात किए और हमें जो है मुख्य सचिव के साथ में चर्चा करने के लिए सुझाव दिया गया। हम मंत्रालय में मुख्य सचिव के साथ एक घंटे तक हमारी बात हुई, हमने जो सुझाव दिए थे उसको आज माननीय रविन्द्र चौबे जी के साथ में जो बात हुई उसके अनुसार उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है। कल जो है हमारे फेडरेशन की जो है पूरे प्रदेश भर के जो जिला संयोजक, संभाग प्रभारी, संभाग संयोजक सबके साथ में यहाँ पर एक प्रांताध्यक्षों के साथ में एक बड़ी बैठक हुई थी, लगभग 5 घंटे चली हुआ बैठक, और उसमें लगभग सभी जिला संयोजक ने कहा कि इस आंदोलन को, चूंकि अस्मिता की लड़ाई है, हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, इस लड़ाई को हमको जारी रखना है, ऐसा निर्णय हुआ था। लेकिन अंत में यह भी निर्णय हुआ, चूंकि इस फेडरेशन को खड़ा करने में खून पसीना एक करने वाले आप हमारे नेतृत्व करता है, और आपके ऊपर में हमें पूरा विश्वास है, और जो कोर कमेटी है उसके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा आपकी अध्यक्षता में हमें स्वीकार होगा। जी वर्मा जी, दो मांगे थी, लगातार मैं बातचीत करता रहा आपसे, आप कह रहे थे कि 34% की महंगाई भत्ता एक वो हमारी मांग है, और दूसरा 7वें वेतन मान के अनुरूप आपका आवास भत्ता और महंगाई भत्ता भी ड्यू डेट से, क्या ये तीनों मांगे पूरी हुई? जो हम लोग जो सुझाव दिए थे, पहला जो है हमने सरकार से अनुरोध किया था कि जो 6% का जो महंगाई भत्ता अभी जो बढ़ा हुआ अभी मिला है तो उसको देय तिथि से दिया जाए, सरकार ने उसे मान लिया है, इसका जो एरियर्स है उसको हमारे GPF खाते में डाला जाएगा। उस दूसरा जो है जो HRA का मुद्दा है, चूंकि यह हमारा 2016 का मुद्दा है और शासन की तरफ इसका ध्यान नहीं जा रहा था, तो हमने कहा कि इसके लिए कोई कमेटी बनाई जाए, चूँकि इसमें बड़ा थोड़ा बजट ज़्यादा लगना है, तो सरकार ने भी उसे स्वीकार कर लिया है। और तीसरा हमने कहा था कि जो शेष महंगाई भत्ता है उसे दीपावली के समय दिया जाए, तो उसे भी स्वीकार कर लिया गया है। जी, लेकिन बात अड़ी हुई थी कि 28% नहीं 34%, 6% का डिफरेंट था, क्या उसमें कोई बढ़ोतरी हो पाई? 28 से ऊपर कुछ हो पाया? हाँ, बढ़ोतरी निश्चित रूप से हुई। अब दो महीने बाद में दीपावली होना है और अभी अगस्त में हमको जो है 6% मिली गया है, तो हमको भी सरकार की स्थिति को भी हमको समझना चाहिए, एकदम अडिग नहीं रहना चाहिए, तो हमने जो सुझाव दिया था इसको दीपावली के समय दे दिया जाए। तिवारी जी, सम्मानजनक बात की जा रही थी कि सम्मानजनक पहल हो, सम्मानजनक रास्ता निकले, क्या वो सम्मानजनक पहल हो पाई, रास्ता निकला सम्मानजनक? निश्चित रूप से सम्मानजनक पहल हुई है, सम्मानजनक सौहार्दतापूर्ण माहौल में अपनी चर्चा हुई है और सम्मानजनक रास्ता भी निकला है। जो हमारे पब्लिक परेशान हो रही थी उनको देखते हुए, शासन की जो वित्तीय स्थिति है उनको देखते हुए, और सारे हमारी जो मांगे हैं, प्रमुख मांगे, वो पूरा किया गया है। ठीक है।
तब जब भी हम आंदोलन कवर करने जाते थे आप लोग का नारा होता था अस्मिता की बात है, सम्मान की बात है, हक की बात है। 34% चाहिए था, 28% की घोषणा पहले ही मुख्यमंत्री जी कह चुके थे। आप चाह रहे थे कि उससे कुछ भी ऊपर मिले तो सम्मान होगा, लेकिन सिर्फ 28% की बात हो रही है। अभी एरियर्स की बात जरूर हो रही है, क्या सम्मानजनक? देखो महत्वपूर्ण चीज है कि जब से पिछले 2 सालों से जो हमारे एरियर्स की राशि दुर्बन खाते में चला जाता था उसमें कर्मचारियों को लगभग 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था, तो इस समय एरियर्स की राशि सही दिया जा रहा है, तो एक परिपाटी बनेगी कि एरियर्स सारी जो खत्म रही वो। दूसरी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो 6% जो बताया उसको दिवाली के पूर्व आप लोगों को दिया जाएगा। मतलब वो जो 34% का गैप बन रहा था 6% वो दिवाली से पहले दिया जाएगा, ये आश्वासन? ये आश्वासन भी है। और एरियर्स की राशि शासन नगद नहीं दे रही है, हमारे जीपीएफ खाते में जमा होगा, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सभी साथियों को साल भर का जो एरियर्स डूब रहा था वो लोगों को मिलेगा, और आगे के लिए रास्ता खुल जाएगा कि जब भी कोई घोषणा होगी तो आगे के डेट से एरियर्स ही दिया जाएगा। एचआरए को लेकर के क्या बातचीत हुई फिर? एचआरए के लिए भी कमेटी बनाने की बात की गई है और आश्वस्त किया गया है कि आपकी इस मांग पर भी विचार किया जाएगा जी। और यथाशीघ्र कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम लोगों को ये खुशखबरी मिल जाएगी। तो फिर मानना किया जाए, जीत है, ये फेडरेशन की जीत है, सम्मानजनक रास्ते सम्मानजनक पहल पे ये जीत है। बिल्कुल, हम इसे अपनी जीत मानते हैं, सम्मानजनक तरीके से कर्मचारियों की ये मांग मानी गई है। माननीय महोदय आदरणीय रविंद्र चौबे जी की मध्यस्थता में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ये मांगे मानी गई हैं, मांगे सुनी गई हैं और अतिशीघ्र इन पर आदेश निर्देश जारी करने का की जा रही है शासन के द्वारा। तो चलिए, ये तमाम पदाधिकारी हैं और इन्होंने कहा, जो समराइज करे अगर, कि 28% बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी थी। यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सीएम भी यहाँ पे सख्त नजर आए थे, तो क्या उसका भी असर है कि स्थगित हो गई हड़ताल? लेकिन इस आंदोलन का एक जो बड़ा फायदा मिला इन लोगों को वो ये कि करीब 19 महीने का एरियर्स इनको अब मिल जाएगा, जो उस पुरानी घोषणा में नहीं था, वो इसे अपनी एक जीत मान रहे हैं। और बाकी जो 6% का बच रहा था 28 से 34% के बीच का, उसमें आश्वासन मिला है कि दिवाली से पहले वो बाकी 6% का भी जो डीए है वो दे दिया जाएगा, और एचआरए पे भी संतोषजनक आश्वासन मिला है। राजेश, यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि पहले भी 28% मिल रहा था, अभी भी कहा गया है कि दिवाली के बाद इसे अप्लाई किया जाएगा, तो सीएम जो सख्त हुए थे क्या उसका असर है? दबाव में किया है क्या इन लोगों ने ये वापस? ताकि बाद ये ब्रेक आया आंदोलन में जी। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्थगित हो गई है हड़ताल छत्तीसगढ़ में, कर्मचारी फेडरेशन ने अपना फैसला वापस लेते हुए हड़ताल को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि कर्मचारी फेडरेशन ने वापस ले लिया है अपना फैसला, और अब मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात हुई, चर्चा हुई, जिसके बाद हड़ताल को वापस लिया।